स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं क्या रहेगा आज मौसम का हाल। मन्नार की खाड़ी दक्षिण तमिलनाडु तट के साथ साथ दक्षिण पश्चिम और मध्य अरब सागर के ऊपर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जो बढ़कर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पश्चिमी मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश तट के आसपास 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। IMD के मुताबिक उत्तरी केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा के तटों और अंडमान सागर के ऊपर 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा के साथ तूफानी मौसम रहने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रॉयलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने और तेज आंधी के साथ साथ हवा चलने की उम्मीद है। IMD ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड आदि के आसपास बिजली तूफान की आशंका जताई है। कल आसपास उत्तर पश्चिम और निकटवर्ती पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ताजा निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। आने वाले वक्त में मौसम पर इन सभी गतिविधियों को असर देखे जाने की उम्मीद है। वहीं एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ ईरान और इसके आसपास देखा गया है। IMD के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती ओडिशा तट पर मौजूद है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इसके ओडिशा तट पर धीरे धीरे पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर स्थित है और जैसलमेर, कोटा, गुना, सतना, पेंड्रा रोड से होकर गुजर रहा है। इन सभी राज्यों में आज भारी बारिश देखने को मिली है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल और माही में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की उम्मीद जताई है। IMD ने इन सभी राज्यों में बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। आज उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावना जताई है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। IMD के मुताबिक आज कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अलग अलग जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताजा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।